नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राजू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास LG का TV आया, जिसमें फॉल्ट यह है कि इसमें पिक्चर डल आ रही है। देखिए, पहले इसमें वीडियो नहीं आ रही थी, वीडियो तो इसमें आ गई, पिक्चर इसमें बहुत डल आई। जैसे देखिए, लो कंट्रास्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। ये हमने ओपन पहले ही कर लिया है, ये अब हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या दिक्कत है। कल इसमें वीडियो नहीं आ रही थी, वीडियो हमने इसमें अबा दी है। यहाँ पर ये सोल्डिंग टूटी हुई थी और नीचे IC ढीली थी, ठीक है, वो हमने बिल्कुल ओके कर दी। मगर इसमें पिक्चर जो इस तरीके की आई, देखिए, सब हमने करने के बाद किट भी पूरी साफ कर दी, मगर ये देखिए पिक्चर इसमें इस तरीके की आ रही है, बिल्कुल डल। ये बिल्कुल लो ब्राइटनेस, लो कंट्रास्ट, सब चीज़ ये पिक्चर इसी तरीके की आ रही है। अब हम इसमें देखते हैं, देखिए क्या जुगाड़ करते हैं। छोटी सी ट्रिक से पिक्चर बिल्कुल एकदम क्लियर और बिल्कुल लो ब्राइटनेस, हाई ब्राइटनेस में और लो कंट्रास्ट, हाई ब्राइटनेस में 1 सेकंड में बदल जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें क्या करना होगा, एक छोटी सी ट्रिक इसमें करनी होगी। ये देखिए, इसमें करना क्या होगा, ये हमारी जो वीडियो इनपुट और वीडियो आउटपुट वाली जो पिन है, इन्हें शॉर्ट करके देखते हैं पिक्चर कैसी हो जाती है। देखिए कौन कौन सी पिन हमें शॉर्ट करनी पड़ेंगी। ये देखिए, देखिए ये हमने शॉर्ट कर दी हैं, ठीक है। ये देखिए पिन नंबर 1 और 3, ये दोनों शॉर्ट करी हैं, ठीक है। अभी पिक्चर हम देखते हैं, पिक्चर हमारी कैसी आती है। ये देखिए पिक्चर हमारी एकदम क्लियर हो गई। ये देखिए जो लो ब्राइटनेस थी बिल्कुल क्लियर हो गई, चमक भी बढ़िया हो गई और ब्राइटनेस भी अच्छी हो गई। बस करना हमें क्या पड़ा, बस एक ये जो लिखा हुआ ना VO और NC और उसके बाद जो ये VIN, बस इन्हें शॉर्ट करना पड़ा। VO और VIN को शॉर्ट करना पड़ा, NC यानी नो कनेक्शन ये खाली है। बस इन दोनों को शॉर्ट करते ही पिक्चर हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। आप भी अपने टीम में कभी या किसी भाई कोई फंस जाए इस फॉल्ट में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसी वीडियो और देखिए बिल्कुल, अब अगर कोई फॉल्ट आपके सामने भी आए तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।